शख्स को आती है, शख्सियत को नहीं आती। शख्सियतें हमेशा बाकी रहती हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है, अपने किरदार के हवाले से, अपने अमल के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से और अपनी सीरत के हवाले से। कुरान मजीद के मुताले के बाद जो बात सामने आती है वो ये कि खुदावंद आलम ने 45 से ज़्यादा मकामात पर मौत की हकीकत, मौत की वाकईयत और मौत की अहमियत पर ज़हन इंसानी को मुतवज्जे किया है, आमादा रखा। मोमिन की तमन्ना मौत, मोमिन की आरजू मौत, मोमिन की मेराज, मौत के लिए हम वक्त आमादा रहना। लेकिन ये कानून मौत सिर्फ नफ्स पर इसका इतलाक होता है और हर नफ्स जायके मौत के मरहले से गुजरता है। इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद वो अपनी शख्सियत और अपनी सीरत व किरदार की अच्छाइयों के और बुलंदियों के हवाले से माशरे में काबिल एहतराम जाना जाता है और इंसानी दिलों में जिंदा रहता है। अल्लामा मुफ्ती नसीरुल इज्तिहादी आलल्लाह मकामहू ऐसी ही एक इल्मी शख्सियत का नाम, एतमाद इल्म का एक रोशन चिराग, ज़बानों मानियों बयान का एक बेअंत समंदर, शीरी लहजा, खूबसूरत मौसर और मुतासर करने वाली शख्सियत, जिन्होंने कमोबेश 40 बरस तक सरजमीन पाकिस्तान पर खुसूसियत के साथ अपने इल्म के चराग रोशन किए। सरकारे अल्लामा आलल्लाह मकामहू एक खतीब के हवाले से इतनी बुलंद पाया शख्सियत थे कि जिसका एतराफ न सिर्फ ये कि अपनों ने किया बल्कि बेगाने भी इस बात के मुतरफ थे कि बड़े सगीर पाक हिंद में इस वक्त इस जमाने में आप जैसा बेमिसल व बेमिसाल खतीब कोई मौजूद नहीं है। अल्लामा मरहूम अपनी सीरत व किरदार के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से, अपने मुनफरिद अंदाज बयान के हवाले से, अपनी शीरी गुफ्तारी के हवाले से और खसूसियत के साथ शाम गरीबा के हवाले से पाकिस्तान के मुसलमानों के दिलों में हमेशा काबिल एहतराम बनकर जिंदा रहेंगे। हक मगफरत करे अजब आज़ाद मर्द था।